सिपाही विद्रोह के घाव अभी भी ताजे ताजे ही थे और सिर्फ 30 साल में ही जालिम अंग्रेजों ने भारत पर शिकंजा कुछ इस तरह कस लिया था कि देश के हित में उठने वाली हर ललकार बस एक खामोश सिसकी बनकर रह गई थी। देशवासियों की दबी हुई आवाज को, लोगों की हारी हुई आशाओं को और भारत माँ की मिट्टी की पुकारों को जरूरत थी कि कोई उसको सुन सके, जरूरत थी कि बहरी अंग्रेज सरकार के कानों को धमाकों से खोल सके, जरूरत थी एक ऐसी ताकत की जो हुकूमत को उसके गलत होने पर चुनौती दे सके, जरूरत थी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी की जो ब्रिटिश हुकूमत की क्रूर आंधी में जलती मशाल उठा सके। और फिर जब 72 डेलीगेट्स बॉम्बे में एकजुट हुए, एक सोच, एक आशा, एक विश्वास, एक मकसद, एक आजाद भारत के नारे के साथ, तो जन्म हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। हेलो दोस्तों, मैं हूं काशिफ अंसारी और आज हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के इतिहास और उसके इंपॉर्टेंट सेशंस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में एओ ह्यूम और 72 डेलीगेट्स, जिसमें शामिल थे लीडर्स जैसे कि दादा भाई नरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बद्रुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, डी वाचा, इन सभी के साथ मिलकर स्थापना की गई इंडियन नेशनल कांग्रेस की। यह हिस्टोरिक फर्स्ट मीटिंग 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 1885 तक चली, जिसके प्रेसिडेंट थे वोमेश चंद्र बैनर्जी। वाइस रॉय लॉर्ड डफरिन के अप्रूवल के साथ इस मीटिंग को कंडक्ट किया गया, जो पहले पूना में होने वाला था लेकिन कॉलरा आउटब्रेक के कारण बॉम्बे में हुई। और इस मीटिंग के बाद हर साल कांग्रेस दिसंबर में अपनी नेशनल लेवल मीटिंग करती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ था इंडियन ओपिनियंस और व्यू पॉइंट को सबके सामने लाने के लिए, ब्रिटिश हुकूमत के क्रूरता और अन्याय के खिलाफ एक आवाज के रूप में। और अगर हमें कांग्रेस पार्टी को समझना है तो उसे तीन दौर में हम बांट सकते हैं। पहला दौर था सन 1885 से लेकर 1905 के बीच, जब मॉडरेट नेशनलिज्म हुआ करता था। यह एक ऐसा समय था जब कांग्रेस ब्रिटिश एम्पायर की हर बात माना करता था। उसके बाद आया दशक 1906 से 1916 तक, जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ, एक ऐसा समय जब मिलिटेंट नेशनलिस्ट पैदा हुए और होम रूल मूवमेंट हुआ था। इसी दौरान एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस लीडर्स लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लाल बाल पाल भी कहा जाता है, उभर कर आए। और आखिर में 1917 से लेकर 1947 के बीच रहा गांधीयन एरा। ये दौर महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी का था, जिसने कांग्रेस की सोच को संपूर्ण आजादी की ओर उड़ान दी। अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस के बारे में बात करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं और उनके डेवलपमेंट्स। सबसे पहला सेशन हुआ 1885 में मुंबई में, जिसके अध्यक्ष थे हमारे वोमेश चंद्र बैनर्जी। 1887 के मद्रास सेशन को हमेशा याद रखिएगा, यहां पर अध्यक्ष थे बद्रुद्दीन तैयब जी, जो कि सबसे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। 1888 का अलाहाबाद सेशन में जॉर्ज यूल प्रेसिडेंट बने, जो पहले इंग्लिशमैन प्रेसिडेंट थे। इसके बाद 1896 का सेशन आता है, जो कि था कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष थे आर एम सयानी, और यहीं पर सबसे पहली बार हमारे देश का वंदे मातरम गाया गया था। इसके बाद आता है 1907 का सूरत सेशन, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी, जहां पर कांग्रेस दो भागों में टूटी थी, जिसे हम मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के नाम से जानते हैं। सबको मालूम है मॉडरेट्स के लीडर हुआ करते थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, और एक्सट्रीमिस्ट के लीडर हुआ करते थे बाल गंगाधर तिलक साहब। उसके बाद इंपॉर्टेंट सेशंस में आता है 1911 का कैलकटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे पंडित भीषेन नारायण दार। वहां पर बहुत ही ऐतिहासिक जनगणमन सबसे पहली बार गाया गया था। 1916 का लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे एसी मजूमदार। ये बहुत ऐतिहासिक सेशन था, क्योंकि यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक साथ हिस्सा लिया था।
इसके साथ साथ कांग्रेस जो दो भागों में टूट गया था उसका यहां पर रीयूनियन हुआ था। और एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना हुई थी लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में, जहां पर बिहार के चंपारण से एक किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, जो गांधी जी से मिलने आया था और उसने बताया कि किस तरह से अंग्रेज चंपारण में लोगों के साथ शोषण कर रहे हैं। जिसके बाद गांधी जी आचार्य जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक के साथ मिल करके गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह किया 1917 में। इसके बाद आता है 1917 का कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जहां पर एनी बिसेंट बनी सबसे पहली महिला प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1923 में कंडक्ट होने वाले दिल्ली के स्पेशल सेशन के प्रेसिडेंट बने मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे। और सबसे इंपॉर्टेंट 1924 का बेलगाम सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जहां पर गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सिर्फ एक बार ही अध्यक्ष बने थे। सन 1925 के कानपुर सेशन में श्रीमती सरोजनी नायडू बनी सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1926 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ गुवाहाटी में, जो कि भारत के इतिहास में उत्तर पूर्वी भारत में होने वाला एकमात्र सेशन है। 1928 के कलकत्ता सेशन के प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू, जब पहली बार ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का गठन हुआ। और अब आता है ऐतिहासिक 1929 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, जो कि हुआ लाहौर में, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस कांग्रेस के सेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पारित किया गया। 1931 के कराची सेशन में प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने पास किया था रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का। 1937 का सेशन हुआ फैसपुर महाराष्ट्र में, जो कि सबसे पहला सेशन था गांव में। आज तक कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई भी सेशन गांव में नहीं हुआ था। इस कांग्रेस सेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1938 का हरिपुरा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस गुजरात का बहुत ही फेमस था, जहां पर अध्यक्ष बने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसमें एक नेशनल प्लानिंग कमेटी सेट की गई अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित नेहरू। 1939 के कंट्रोवर्शियल सेशन त्रिपुरी के बारे में जरूर याद रखिएगा, जो कि जबलपुर के पास त्रिपुरी में हुआ था। यहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बार फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह मानना था कि अंग्रेजों से कोई बात नहीं करनी चाहिए और हिंसा ही एकमात्र रास्ता है भारत को आजाद कराने का, लेकिन आप तो जानते हैं कि गांधी जी हमेशा से हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे, और गांधी जी ने इस वजह से 1939 का जो सेशन था उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विरोध किया, और गांधी जी ने कहा कि पट भाई सीतारमैया जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन अंत में फाइनली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1939 के त्रिपुरी सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और फिर आखिर में बारी आती है 1946 का मेरठ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी साहब। इस सेशन के बाद ही 1947 में भारत को आजादी मिली, और आपके एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भारत देश आजाद हुआ तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी। आजादी मिलने के अगले साल 1948 में लास्ट सेशन, इसको याद रखिएगा, जयपुर में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे पट भाई सीतारमैया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे इंपॉर्टेंट सेशंस के ये थे की पॉइंटर्स। ऐसे और भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए कीप एम्बाइबिंग, वी बिलीव इन यू। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।